Assalamualaikum. आज हम लोग जा रहे हैं फिशिंग पे, लेकिन आज की फिशिंग थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि आज हम लोग बड़ी मछली नहीं, आज हम लोग छोटी मछली पकड़ेंगे. छोटी मछली का नाम क्या है ये हम आपको बताएंगे. कार डॉक्टर, क्या नाम है मछली का जो भी हम लोग पकड़ने जा रहे हैं? सीमा. हमारे साथ है नियाज और पीछे बैठे हैं अब्दुल रहमान. ये हम और एक बंदा हमारा गया नाश्ता लेने के लिए. अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सी साइड पे, फिर मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा. मछली असल में छोटी है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है. जब हम लोग पकड़ेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है. तो दोस्तों, हम अपनी लोकेशन पे आ गए. मेरे पीछे आपको जगह नज़र आ रही होगी, ये पत्थर हैं, ये आगे तक जाएंगे, आगे फिर वहाँ पे थोड़ा गहरा पानी है, वहाँ पे हम लोग ये मछली पकड़ेंगे. सीमा मछली का नाम है. छोटी मछली होती है लेकिन टेस्ट वाइज बहुत आला किस्म की मछली है. अभी आप देखेंगे वहाँ पे कितने लोग उसका शिकार कर रहे होंगे. तो आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में ये कितने लोग इसी मछली का शिकार कर रहे हैं. ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम लोगों ने क्या प्रोग्रेस करी अब तक. अभी हमें आए हुए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और ये देखें, ये मछली इससे ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. ये तो किस्मत से अभी हमें एक बड़ी मछली मिल गई है. तो चलें फिर, अभी हम लोग और पकड़ रहे हैं मज़ीद. जब बस ये हमारे नियाज भाई ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, हाथ के हाथ मच्छी साफ़ भी कर रहे हैं. उससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो मच्छी साफ़ हो रही है, दूसरा हमें उसके चारा मिल रहा है. ये चारा, और ये हमने तकरीबन 60-70 के करीब मछली पकड़ ली है. और ये मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिक. गाइस, आज का हमारा सफ़र फिशिंग का यहीं पे ख़त्म होता है. हम लोगों ने काफ़ी शिकार कर लिया और अभी घर जाएंगे, जुम्मे की तैयारी करेंगे और इस मछली को फ्राई करेंगे. गाइस, अब हम लोग फिशिंग के बाद थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं. ये कार डॉक्टर और मैं बीमार हैं, अब्दुल्मान अनफिट है, तो हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं. ये और ये हमारी रेस लगी है. ये अब मैं तेज भाग रहा हूँ, ये मैं इसे तो आगे निकला. ये मैं जीत गया. और ये ऑन रिकॉर्ड आ गई ये बात, ये मैंने इन दोनों को हरा दिया.